प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अपना ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि मैंने अभी अमेजोन से ऑर्डर किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक गिफ्टिंग आइडिया भी दे दूँगी और अपना ज्वेलरी का कलेक्शन भी दिखा दूँगी, उनकी क्वालिटी के बारे में बता दूँगी कैसी है कैसी नहीं, किस प्राइस की है वो ज्वेलरी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। मैंने कुछ ऑर्डर किए थे ब्रेसलेट, रिंग्स और इयररिंग्स, और एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला है ये, और काफ़ी अच्छे पैक में मुझे डिलीवर हुआ था, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी मैंने कोई भी ज्वेलरी ओपन नहीं की है और सब आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। और ये तो ब्रेसलेट बहुत ही कमाल का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ब्रेसलेट। थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में है, मगर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे वेस्टर्न में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। मैं इसे आपको पास से दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है और मुझे अच्छा लगा। इसकी ब्रेसलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और काफ़ी लाइट वेट ब्रेसलेट है। इसमें जो ये कुंदन दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी शाइन कर रहे हैं। ये देखिए, एडी का भी काम दिया हुआ है और गोल्ड प्लेटेड में है ये ब्रेसलेट। काफ़ी प्यारा सा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग ब्रेसलेट की मुझे बहुत अच्छी। नेक्स्ट ब्रेसलेट की तरफ, और ये भी मुझे इस तरह के पैक में डिलीवर हुआ था। देखते हैं आखिर ये है कैसा। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा है और सिल्वर प्लेटेड में है ये ब्रेसलेट, और ये तो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट काफ़ी प्यारा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि इसमें हुक नहीं दिया हुआ है, इसमें ये लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, जो हुक का सिस्टम होता है ब्रेसलेट में, तो उसे पहनने में और उतारने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसमें ना ये इस तरीके का ये लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जिसे आप इस तरह से ऐसे करके आराम से पहन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की। मुझे इस ब्रेसलेट की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी। सिल्वर प्लेटेड में है और इसमें कुछ कुंदन का और एडी का वर्क दिया हुआ है। ओवरऑल बोलूँ तो इस ब्रेसलेट की फिनिशिंग और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और पहनने के बाद ये ब्रेसलेट आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। प्राइस के हिसाब से ये ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, बहुत ही प्रिटी है ये। नेक्स्ट ब्रेसलेट की तरफ, और ये मुझे कुछ इस तरह के पैक में डिलीवर हुआ था। कितनी अच्छी है, और इसमें जो ये कुंदन का जो काम दिया हुआ है, इसमें जो बड़ी बड़ी कुंदन दिए हुए, ओवरऑल बोलूँ ये ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा है। गोल्ड प्लेटेड में है, रेड कलर के इसमें ये कुंदन दिए हुए हैं। लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पर चेन भी दिखती है, आपको जैसा भी पहनना हो लूज़ या टाइट, आप आराम से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसमें बैक साइड में कुछ ये चेन का काम दिया हुआ है, जिससे कि ना ज़्यादातर क्या होता है कुंदन वाले ब्रेसलेट ऐसे चुभने से लगते हैं, ड्रेसेस में फंसते हैं, मगर ट्रस्ट मी ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे लास्ट टाइम भी पहना था और उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा फंसने फंसने वाला कोई भी दिक्कत नहीं था। तो ओवरऑल बोलूँ तो ये ब्रेसलेट मुझे अच्छा लगा, और इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप इस तरीके का ब्रेसलेट अपने किसी लव्ड वन को भी गिफ्ट करना चाहते हैं, या जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, इस तरीके की गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और अच्छी फिनिशिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट ब्रेसलेट की तरफ, और ये मुझे कुछ इस तरह के पैक में डिलीवर हुआ था। और ये कुछ डिफरेंट टाइप का है, दिखाती हूँ आपको कैसे।
तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ब्रेसलेट प्लस रिंग दोनों दी हुई है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसे पहन करके आपको दिखाती हूँ कि आखिर ये कैसा लगेगा देखने में। मुझे ना पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने जैसा कि आपके बताया था ना कि ये हुक वाले जो ब्रेसलेट्स होते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है पहनने में, आप अकेले नहीं पहन सकते। तो फिलहाल मैं आपको ऐसी ब्रेसलेट दिखा देती हूँ। इसमें ना यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये लेस दी हुई है और यहाँ पे ये रेड कलर का फ्लावर दिया हुआ है। बस यहाँ पे ये मेटल का काम दिया हुआ है, ये चेन रिंग और ये जो आप लटकन देख रहे हैं यहाँ पे मेटल का काम है। ओवरऑल बोलूँ तो ये ब्रेसलेट मुझे ठीक लगा, उतना खास नहीं लगा बट ये ठीक है। अगर आप कुछ भी कैजुअल से कैरी कर रहे हैं तो आप उसमें ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ओवरऑल बोलूँ तो ये ब्रेसलेट मुझे ओके टाइप्स लगा, उतना कुछ खास नहीं लगा। बट अगर आप कैजुअल वेयर कर रहे हैं तो उसे आप आराम से इसमें कैरी कर। तो अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो हैं रिंग्स जो कि मैंने ऑर्डर की थी। और सबसे पहले मैं इस रिंग के बारे में बात करती हूँ। ये मुझे इस तरह के बॉक्स में डिलीवर हुई थी और सबसे अच्छी चीज़ ये है इस रिंग में कि ये ना स्ट्रेचेबल है। मेरी फिंगर्स जैसे ना बहुत पतली सी हैं तो ज़्यादातर मुझे अपनी साइज़ की रिंग मिलना ना बहुत मुश्किल होती है और ऑनलाइन ऑर्डर करो तो कभी भी नहीं आती। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये रिंग ना स्ट्रेचेबल है, इसे आप आराम से पहन सकते हैं और इसकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैं इसे आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कि आपकी फिंगर में आराम से ये एडजस्ट हो जाएगी लाइक दिस। तो ओवरऑल बोलूँ तो ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। तो आप चाहें तो इसे अगर अपनी लव वन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट कर सकते हैं, उसे गिफ्ट करके प्रपोज कर सकते हैं। सो मुझे ओवरऑल ये रिंग अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकेंड रिंग जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये कुछ इस तरह के बॉक्स में मुझे डिलीवर हुई थी। और देखते हैं कि आखिर ये है कैसी। वाओ, पैकिंग तो बहुत अच्छी की हुई है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। और ये रिंग बहुत अच्छी है और मैंने जैसा कि आपको बोला था ना साइज़ का इशू होता है, तो मेरी फिंगर बहुत पतली बट फिर भी ठीक है, मैं इस फिंगर में आराम से इसे पहन सकती हूँ। तो ये रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना इस रिंग की फिनिशिंग देखिए। ओवरऑल ये रिंग बहुत ही प्रिटी है और इसमें कुछ एडी का वर्क दिया हुआ है प्लस यहाँ पे रेड कलर का ये इतना बड़ा कुंदन दिया हुआ है। और साइज़ के हिसाब से और ये रिंग तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो ये रिंग मुझे कमाल की लगी और इसे आप चाहें तो इसे भी आप गिफ्ट कर सकते हैं आप और आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या जिसे भी आप प्रपोज करने वाले हैं वो खुश हो जाएगा, आई मीन खुश हो जाएगी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इस रिंग की क्वालिटी और इस रिंग की फिनिशिंग बहुत ही कमाल की है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बारी आती है ईयर रिंग्स की। मैंने जो ईयर रिंग्स ऑर्डर किए थे वो मैं आपके दिखाता शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ये ईयर रिंग मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में डिलीवर हुआ था और वाह, ये ईयर रिंग मैंने जैसा देखा था इमेज में मुझे एकदम वैसा ही मिला है। और देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है क्योंकि मुझे लॉन्ग ईयर रिंग्स तो बहुत पसंद है। वाह, देख रहे हैं ना आप कितना कमाल का है। इसकी फिनिशिंग जो ये मैट फिनिश दिया हुआ है ना रेड कलर का, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बड़ा ही कमाल के ईयर रिंग्स हैं। तो अगर आप पार्टी या किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं इस सिंपल ये ईयर रिंग्स पहन के बिना तो बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही कमाल की ईयर रिंग है। इसमें गोल्ड प्लेटेड, इसमें जो चेन दी हुई है वो गोल्ड प्लेटेड है, रोज़ के पेटल्स होते हैं ना उस तरीके का यहाँ पर ये लटकन दिया हुआ है। तो ओवरऑल बोलूँ तो ईयर रिंग बहुत ही प्रिटी है। किसी भी सिंपल ड्रेस में ये ब्लैक हो या रेड कलर की ड्रेस हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इनकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये ईयर रिंग। आप चाहे तो आप भी इसे ट्राई करें। नेक्स्ट ईयर रिंग्स की तरफ, और
Oh my God, ये तो मेरे फेवरेट वाले हैं, इनको मैंने तो लास्ट टाइम पहना भी था. आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इनमें सभी मैंने कुछ ओपन नहीं किया, बट हाँ कुछ ज्वेलरी मैंने ओपन कर ली थी जो कि पहले मुझे डिलीवर हो गई थी. तो करते हैं इन ईयर रिंग्स की बात. और ये ईयर रिंग्स काफ़ी प्रिटी हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं. आई एम श्योर आपको ये वाले रुख बहुत अच्छे लगे होंगे. ये ईयर रिंग्स गोल्ड प्लेटेड हैं और यहाँ पे ये कुंदन का वर्क दिया हुआ जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है. किसी भी सिंपल प्लेन ड्रेस में, चाहे वो ब्लैक कलर की हो, रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की, जो भी कलर की हो, बस प्लेन हो, उसमें ईयर रिंग्स बहुत अच्छे लगेंगे. आप चाहें तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं. और मुझे इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी दी हुई है, शाइनिंग इसमें कितनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लगे ये. नेक्स्ट ईयर रिंग्स की तरफ. और ये मुझे कुछ इस तरह के पैक में डिलीवर हुए थे और देखते हैं कि आखिर ये कैसे दिखते हैं. आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, बट ठीक है, ईयर रिंग्स अच्छे हैं. मुझे ओके लगे, उतना अच्छे नहीं लगे क्योंकि इनकी शाइनिंग अच्छी है और बट इनका मुझे ना डिज़ाइन ओके टाइप्स लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा. ठीक है ये ईयर रिंग्स, और फिलहाल इनकी शाइनिंग तो बहुत अच्छी है और ब्लैक मेटल में है पूरे ईयर रिंग्स. मैं आपको पास से दिखा देती हूँ और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं. फिनिशिंग इनकी अच्छी है, ओवरऑल ये ईयर रिंग्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. मगर मुझे इस टाइप के ईयर रिंग्स ना ब्लैक मेटल में बहुत कम ही पसंद आते हैं. तो अगर आप ब्लैक मेटल पसंद करते हैं तो आप ये ईयर रिंग्स परचेज कर सकते हैं. तो वैसे तो ये ईयर रिंग बहुत अच्छे हैं, सुंदर लग रहे हैं, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लाइट वेट है और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. बट मैं ब्लैक मेटल पसंद नहीं करती पर्सनली, तो मुझे नहीं पसंद है. अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ईयरिंग की तरफ. और ये मुझे कुछ इस तरह के बॉक्स में डिलीवर हुआ. सॉरी, मैंने आपको दिखाने से पहले ही ओपन कर दिया. फिलहाल तो करते हैं इन ईयरिंग्स की बात. और ये कुछ इससे पहले मैंने एक ईयरिंग दिखाए थे, उन सिमिलर हैं थोड़े बहुत, बट इसमें डिफरेंट क्या है वो आप लोग समझेंगे. इस पोर्शन में रेड कलर का पेटल दिया हुआ था बट इसमें गोल्डन कलर का पेटल दिया हुआ है. और ज़्यादा लॉन्ग नहीं है मगर ये ट्रस्ट मी बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही क्लासी और एलिगेंट से ईयर रिंग्स लग रहे हैं. आप किसी भी सिंपल ब्लैक ड्रेस में आराम से इसे कैरी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगेंगे. अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्रिटी ईयर रिंग है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. आप चाहे तो इसे भी एक बार ट्राई ज़रूर दे सकते हैं. ये तो था सारा मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन जिसमें मैंने ईयररिंग्स, रिंग्स और ब्रेसलेट्स ऑर्डर किए थे. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर इनमें से कोई भी ज्वेलरी आपको पसंद आई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के आराम से इसे परचेज कर सकते हैं. फिलहाल यहीं तक था आज का मेरा ये ब्लॉग. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें. और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और भी चीज़ का रिव्यू करूं और कोई और भी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं या व्लॉगिंग करूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.